अफगानिस्तान में एक बार फिर मस्जिद को निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया गया है, जिसमें कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार तालिबानी अधिकारी का कहना है कि कुंदुज शहर में शुक्रवार की नमाज के बाद सिया मस्जिद पर हमला हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वे जब नमाज अदा कर रहे थे तब उन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी। हालांकि अभी तक हमले की किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया, आज दोपहर राजधानी कुंदुज के बाहर खान आबाद जिले में हमारे सिया हमवतन की एक मस्जिद में एक धमाका हुआ।